बचा हुआ धनिया को मैंने अभी हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद देख सकते हैं इतना सारा जो है धनिया मुझे मिला है। तो ये ओवरऑल धनिया उगाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्वायर कंटेनर ले रहा हूँ। आप चाहे तो इस तरीके का हैंगिंग पॉट या भी किसी प्रकार के पॉट में उसको लगा सकते हैं, लेकिन मैं जो आज ग्रो करूँगा ये इस तरीके का स्क्वायर जो है कंटेनर पे मैं ग्रो कर रहा हूँ। इसमें जो मैंने सोयल लिया है वो मैंने नॉर्मल गार्डन सोयल लिया है। तो मेरा नॉर्मल गार्डन सोयल करने का क्या मतलब होता है कि मैं सिंपली जो गमला मेरा जिसमें अदर प्लांट्स लगे हुए हैं उसके ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं सोयल है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। उसको यूज करने का बेनिफिट ये है कि मैं बराबर किसी पॉट में हमेशा वर्मी कंपोस्ट या फिर लिक्विड फर्टिलाइजर ऐड करता हूँ जिससे कि हमारे जो प्लांट है वो हेल्थी रहे। तो इसी का जो सोयल मैं यूज कर रहा हूँ ताकि इनका जो पीएच है वो मेंटेन रहता है और वो सोयल सबसे परफेक्ट होता है। आप जो है गार्डन सोयल भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट और कुछ एक्स्ट्रा सोयल ऐड करके भी आप इसको सोयल को तैयार कर सकते हैं। तो मैं सिंपली आज इस पर ग्रो करने वाला हूँ। तो यहाँ दो तरीके मैं आपको बताऊँगा ग्रो करने का। एक जो आप मार्केट से इस तरीके का सीड लेंगे या फिर यदि आपको इस प्रकार के सीड परचेस करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। जब इस टाइप का सीड को आप परचेस करेंगे तो इस का जो सीड होता है इसका क्वालिटी में बहुत ही अच्छा अंतर होता है। इसके ऊपर जो लाल लाल आपको दिख रहे हैं धनिया के ऊपर जो लाल लाल ये कोटिंग होता है जिससे सीड में किसी प्रकार के फंगस या फिर बैक्टीरिया वायरस का अटैक नहीं हो और वो सीड अच्छा से रहे, इसकी वजह से इसमें कोटिंग रहता है। यदि आप नॉर्मल सीड लेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की कोटिंग नहीं मिलेगा। उसके बाद जब आप इस तरीके से निकालेंगे तो इसकी जो धनिया है वो बड़े बड़े रहते हैं, तो इनको सिंपली जो है प्रेस करके दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। मैं कुछ करके रखा हूँ जिसको कि आज मैं ग्रो करूँगा। डायरेक्ट आप इसको लगा देंगे तो ये तो जर्मिनेशन होगा लेकिन इसका जर्मिनेशन काफ़ी लेट होगा, तो इसको यदि आप तोड़ करके लगाएंगे तो वो सीड जो है जल्दी जर्मिनेट होगा। तो मैं यहाँ पे जो पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हूँ कुछ इस तरीके से, मैंने इसको जो है डबल डबल पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, तो सिंपली इसके ऊपर जो है इस तरीके से मिला देना है। उसके बाद क्या करना है आपको सिंपली सबसे पहले हल्की फुल्की यहाँ पे स्प्रे बोतल से स्प्रे कर देना है ताकि जो सीड आपने अभी डाला है वो इधर से उधर मूव ना हो, वो अपनी जगह पे बैठ जाए। इस तरीके से स्प्रे करने के बाद जो है आप फिर से इस जो सीड है इसको आप कवर कर देंगे सोयल की मदद से। कुछ इस तरीके से मैंने जो है सीड को वो कवर कर दिया है। अब फिर से हल्की फुल्की हम जो है वाटर का स्प्रे कर देंगे और ध्यान देंगे यदि आप इसको विंटर के सीजन पे अभी ग्रो कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन जो है डायरेक्ट आप इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे, इसको आप ऐसे जगह पे रखेंगे सिर्फ जहाँ पे सुबह शाम की धूप मिलता हो। जब इससे सीड जर्मिनेट हो जाएगा तो हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे, लेकिन फिलहाल जो है अभी हम इसको ऐसे जगह पे रखेंगे जहाँ पे इसको सिर्फ सुबह और शाम की धूप मिलता हो। यदि आप गर्मी के सीजन में धनिया ग्रो करेंगे तो आपको 7 से 8 दिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है जब तक कि उससे सीड जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन विंटर के सीजन में 3 से 4 दिन अभी जो है आप डायरेक्ट इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे। जब ये जर्मिनेट हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। तो ये था सीड लगाने का तरीका। अब हम लोग मिलते हैं इसका 4 से 5 दिन के बाद अपडेट लेकर के और देखते हैं हमारे कितने सारे सीड जर्मिनेट हुआ है। 5 दिन का अपडेट के बाद देख सकते हैं हमने जो धनिया लगाया था वो बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो रहा है। कुछ धनिया यहाँ पे जर्मिनेट हो चुका है, कुछ धनिया अभी जर्मिनेट होना बाकी है और 4 से 5 दिन के बाद जितने सारे धनिया हमने लगाया था वो सारे जो है बिल्कुल जर्मिनेट हो जाएंगे। ये 5 दिन का अपडेट है, 5 दिन में लगभग 10% जो है धनिया जर्मिनेट हो चुका है, 90% अभी बचा हुआ है। तो मिलते हैं हम लोग अगले अपडेट में और देखते हैं कितने सारे धनिया जो है जर्मिनेट हो चुका है। देख सकते हैं ये 12 दिन का अपडेट है, 12 दिन के बाद हमारा जो धनिया है बिल्कुल अच्छे से ग्रो हो गया। इधर वाले जो धनिया है उसमें 2 से 3 लीफ भी आना स्टार्ट हो गया, लेकिन इधर का जो धनिया है वो अभी धीरे धीरे जर्मिनेट हो रहा है, साथ ही साथ इधर भी जो है अभी धनिया जर्मिनेट हो ही रहा है। यानी कि और 4 से 5 दिन के बाद जो मेरा कम्प्लीट जर्मिनेशन था वो कम्प्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरीके से 2 से 3 लीफ जो कि 12 दिन का अपडेट है, 20 दिन के बाद जो है 2 से 3 लीफ सभी धनिया पे आ जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं 20 दिन के अपडेट के बाद और देखते हैं हमारे धनिया ने और कितना अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है।
ये 20 दिन का अपडेट है, 20 दिन के बाद देख सकते हैं हमने जो धनिया को ग्रो किया था वो काफी अच्छा ग्रोथ उसने दिखाई है। 20 दिन के बाद जो जितने सारे धनिया थे वो सारा जर्मिनेट हो चुका है। अभी इसको और 10 दिन के बाद हम लोग हार्वेस्ट करेंगे। ओवरऑल 30 दिन के अंदर जो है हम अपने धनिया को पूरी सीड से लेकर के हार्वेस्ट कर लेंगे। और 20 दिन के बाद अपडेट के बाद देख सकते हैं जो बिल्कुल मेरा जो धनिया था वो काफ़ी हरे भरे हो गए हैं और साइज़ में हालांकि अभी वो छोटे हैं और 10 दिन का हम इसमें टाइम देंगे। 10 दिन के बाद जो हमारा धनिया बिल्कुल हरे भरे और बड़े हो जाएंगे तब हम उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये 20 दिन का अपडेट था। तो मिलते हैं हम लोग लास्ट अपडेट 30 दिन के बाद और उस दिन हम लोग धनिया को करते हैं हार्वेस्ट और देखते हैं हमारा धनिया कितना बड़ा हुआ है। 30 दिन का अपडेट है। 30 दिन के अपडेट के बाद देख सकते हैं हमारा धनिया जो है बिल्कुल हार्वेस्ट के लिए तैयार है। यहाँ पे जब आप थोड़ी सी ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो 20 दिन का अपडेट था उसमें ही धनिया ज़्यादा हरा भरा था, अभी तो लग रहा है कि पूरा धनिया ही खत्म हो चुका है। तो ये कारण ये है कि बिना परमिशन के मेरी मम्मी जो है धनिया को उठा करके लेके चली गई थी जब मैं घर पर नहीं था। मतलब मेरी मम्मी जो है 25 दिन में ही धनिया को हार्वेस्ट कर दी थी क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि मैं शुरू से वीडियो बना रहा हूँ, तो इसके वजह से मम्मी जो है 25 दिन में ही हार्वेस्ट कर दी थी। जो थोड़ा सा बचा हुआ आज हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल आप भी अपने घर पे जो है 30 दिन के अंदर धनिया को लगा करके सीड से पूरी तरीके से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए जितना बचा हुआ हम इसको हार्वेस्ट करके आपको दिखाते हैं और आपको एक बार फिर से सॉरी बोलते हैं क्योंकि मैंने कोशिश किया था कि पूरा अपडेट दिखाऊंगा लेकिन मम्मी जो है पता नहीं कब उठा करके लेकर के चली गई धनिया को हार्वेस्ट कर ली। तो जितना बचे हैं चलिए उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं हम लोग अभी फटाफट। बचा हुआ धनिया को मैंने अभी हार्वेस्ट कर लिया। हार्वेस्ट करने के बाद देख सकते हैं इतना सारा जो है धनिया मुझे मिला है। तो ये ओवरऑल 30 दिन का अपडेट था। तो आप भी अपने घर पे इस तरीके से 30 दिन के अंदर धनिया को बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आई होप अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अगर इस टाइप का आप गार्डनिंग का वीडियो पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।